Subscribe to our channel Awaaz TV and press the bell icon for updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हक मौजूद अमा सबनी के भलीकार सुबह जे आवाज़ में माँ माजी मेज़बान शाज़िया करीम अमा जे खिदमत में हाज़िर आया इन दुआ सा इन उम्मीद सा जाते हो जो खुश हो जो पांजन सा गर हो जो अमा सोचे रहा हों दो ताजो दी शाज़िया के छा थी वियो एडी स्पीड में छो पई गलाई एडी तकड़ छाजी है मतलब करे जल्दी में वणनो आ न न न न न बिल्कुल ना वणनो बल्कि अज मां तव्हांखे इन तकड़ जो सबब बुधायां थी पर उन खां पहिरियों अव्हांखे मां ॿुधाईंदी हलां त हे प्रोग्राम अव्हां सभिनी जे लाइ पेश कयो पियो वञे तरंग जे ताउन सां। तरंग 10 रुपयनि जे साशे में बहितरीन क्रीमी कड़क चांहि अव्हां तयारु करे सघो था, काढ़े सघो था ऐं ऑलपर्स वारनि जे सहकार जा पिणु तमामु घणा थोरायता आहियो। जी त हे आहे रेडियो स्टाइल जंहिंमें अव्हां सां मुखातिबु आहियां ऐं इन अंदाज़ में असां रेडियो ते ॻाल्हाईंदा आहियूं, जॾहिं त टीवी ते वरी मामिलो थोरो चेंज थी वेंदो आहे। सो रेडियो ऐं टीवी में ॾाढो डिफरेंस आहे। टीवी ते जॾहिं तव्हां ईंदा आहियो त इलाही तव्हांजो सॉफ्ट लहजो हूंदो आहे, इलाही मिठड़े अंदाज़ में तव्हां ॻाल्हाईंदा आहियो, पर रेडियो ते डिपेंड करे थो त तव्हां शो कहिड़े क़िस्म जो कयो था। जेकॾहिं मां पोएट्री बेस्ड शो कंदमि त पोइ मां तव्हां सां कुझु इन अदा में मुखातिबु थींदमि। त अव्हां ॾिसी रहिया आहियो अव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम सुबुह जो आवाज़ ऐं जेकॾहिं वरी मां इन स्टाइल टाइप शो या जस्ट फॉर यू टाइप या म्यूज़िक ऑन डिमांड शो कंदमि त पोइ वरी मां तव्हां सां कुझु ॿिए अंदाज़ में मुखातिबु थींदमि ऐं उहो अंदाज़ हूंदो जी त पोइ छा था ॿुधणु चाहियो मां, मतिलबु स्टाइल्स आहिनि। सो रेडियो तव्हांखे स्टाइल सेखारींदो आहे, तव्हांखे ॻाल्हाइणो कीअं आहे। रेडियो तव्हांखे उहो अंदाज़ ॾींदो आहे जंहिंमें अव्हां जे आवाज़ में, तव्हांजे अंदाज़ में, तव्हांजे ॻाल्हाइण में मुख़्तलिफ़ वेरिएशन्स हुजनि। किथे पोज़ ॾियणो आहे, किथे अव्हांखे तेज़ी पकड़णी आहे ऐं कहिड़ो तव्हांजो मूड आहे। रेडियो ते मूड जो वॾो मतिलबु हिकिड़ो असरु हूंदो आहे ऐं इन करे अॼु मां रेडियो जी ॻाल्हि कयां पई छो त अॼु असां स्पेशली ॻाल्हाइण वारा आहियूं FM जी दुनिया ते, रेडियो जी दुनिया ते ऐं आवाज़नि जी दुनिया ते। छो त रेडियो ते जस्ट आवाज़ हूंदो आहे जंहिंजे ज़रिए असां इमोशन्स क्रिएट कंदा आहियूं या जेको इमोशन असांखे बयानु करिणो हूंदो आहे उहो पंहिंजे लफ़्ज़नि जे वसीले असां बयानु कंदा आहियूं ऐं जेका फीलिंग असांखे शेयर करणी हूंदी आहे उहा असां पंहिंजे लहजे में अव्हां सां शेयर कंदा आहियूं। टीवी ते हिकिड़ी शइ हूंदी आहे त जेकॾहिं किथे तव्हां मुंझो था, किथे को वर्ड सम्झ में नथो अचे, को जुमिलो सम्झ में नथो अचे, त तव्हां एक्सप्रेशन्स ॾींदा आहियो। कॾहिं पंहिंजे अखियुनि जा एक्सप्रेशन्स ॾींदा आहियो, आईब्रोज़ जा एक्सप्रेशन्स ॾींदा आहियो, तव्हां पंहिंजे हथनि खे अहिड़ी मूवमेंट ॾींदा आहियो जो माण्हू तव्हांजी ॻाल्हि खे सम्झी वञनि। पर रेडियो ते जॾहिं तव्हां कमु कंदा आहियो ऐं ख़ासि तौर ते जेका FM जी दुनिया आहे त उते तव्हां वटि इहे एक्सप्रेशन्स न हूंदा आहिनि। उते तव्हांजा एक्सप्रेशन्स तव्हांजे वर्ड्स में हूंदा आहिनि ऐं तव्हांजा वर्ड्स ई सभु कुझु हूंदा आहिनि ऐं रेडियो ते तव्हां वटि पोज़ जो मार्जन न हूंदो आहे। मतिलबु टीवी ते जेकॾहिं मां मुंझां थी त मां कुझु टाइम जे लाइ सम्झी सघो था व्यूअर्स, मतिलबु मां ईअं करे सघां थी, पर रेडियो ते तव्हांखे हर हाल में उहो वर्ड अदा करिणो आहे, तव्हांखे उहो जुमिलो ॻाल्हाइणो आहे ऐं उन अंदाज़ में ॻाल्हाइणो आहे। सो मूंखां अक्सर माण्हू पुछंदा आहिनि त अदी तव्हांजे लाइ रेडियो मुश्किलु रहियो या टीवी, छो त मां ॿिन्ही ते कमु कयो आहे। त मां हमेशह चवंदी आहियां त रेडियो, छो त रेडियो ते जॾहिं असां कमु कंदा आहियूं त उते हिकिड़ो कमु नाहे हूंदो, बल्कि हिन महिल जेको कमु असांजी OB में थी रहियो आहे, जेको असांजो टेक्निकल स्टाफ करे रहियो आहे ऐं FM ते असां उहो ई कमु पाण कंदा आहियूं। पंहिंजे माइक जो लेवल असांखे एडजस्ट करिणो हूंदो आहे, पंहिंजे बैकग्राउंड म्यूज़िक जेको असांजो आहे उनजे लेवल खे एडजस्ट करिणो हूंदो आहे, सॉन्ग कहिड़ो प्ले करिणो आहे, प्लेलिस्ट असांजी कहिड़ी आहे ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त कंहिं महिल असांखे सॉन्ग प्ले करिणो आहे, केतिरो ॻाल्हाइणो आहे, इहो असां वटि हिकिड़ो ड्यूरेशन हूंदो आहे ऐं उन ड्यूरेशन खां अॻिते पोइ ते जेकॾहिं वेंदा आहियूं त पोइ वरी थोरी पनिशमेंट बि हूंदी आहे। त रेडियो इलाही मुश्किलु आहे छो त कंसोल बि संभालणो आहे, तव्हांखे कॉल्स बि पाण वठणियूं आहिनि, तव्हांखे मैसेजिस बि पाण करणा आहिनि, तव्हांजो फेसबुक बि खुलियलु आहे, होॾां वरी पोएट्री जी हिकिड़ी जेकॾहिं तव्हां पोएट्री बेस्ड शो था कयो त पोएट्री जी हिकिड़ी ड्रिघी तव्हांजी मतिलबु कान का वेबसाइट खुलियलु आहे, उन ते बि तव्हांजी नज़र आहे त हाणे ॿिनि मिंटनि खां पोइ तव्हांखे छा पढ़णो आहे, कहिड़ो गज़ल प्ले करिणो आहे। सो रेडियो टोटल माइंड गेम आहे ऐं रेडियो में तव्हां दिमाग़ी तौर ते जेतिरा स्ट्रॉन्ग हूंदो ओतिरा तव्हां बहितरीन RJ बहितरीन कंपेयर ठही सघो था ऐं ओतिरो बहितरीन अंदाज़ में पंहिंजे पाण खे मनराए सघो था। टीवी ते ग्लैमर आहे, मतिलबु
ठीक आहे तव्हांखे ॻाल्हाइण एतिरो सुठो नथो अचे बट जेकॾहिं तव्हां ग्लैमरस आहियो तव्हांजा लुक्स सुठा आहिनि त पोइ वरी बि थोरो घणो कमु हली वेंदो आहे तव्हां ॾिसी सघो था पर रेडियो ते आवाज़ ई सभु कुझु आहे ऐं तव्हांजा लफ़्ज़ ई सभु कुझु आहिनि उते तव्हां मेकअप करे वञो न करे वञो अबाए में वञो नक़ाब में वञो को फ़र्क़ु नथो पए हा अॼुकल्ह लाइफ जो ज़मानो आहे त अॼुकल्ह थोरो तयारु शयारु थी वेंदो वेंदा आहियूं न त हिकिड़ो टाइम हुयो जॾहिं असां ईअं बसि घर मां उथंदा हुआसीं अबायो पातो सिधा FM ते सो टी वी ते इलाही कुझु आहे जंहिंजे ज़रिए तव्हां पंहिंजे पाण खे मनराए सघो था पर रेडियो ते तव्हांखे हर हाल में तव्हांखे पंहिंजे आवाज़ जे वसीले मनराइणो आहे बहरहाल हाणे मां घणो ॻाल्हाए रही आहियां इन करे मां चाहींदमि त मां तव्हांखे पहिरियों इन खां पहिरियों जो महिमान सां मां जी मां मुलाक़ात करायां रेडियो जो हिकिड़ो वॾो नालो सैयद सालिम मोहम्मद शाह अॼु उन्हनि जे वर्सी मल्हाई वञे पई रेडियो ते ऐं PTV ते कचहरी जे नाले सां प्रोग्राम उहे कंदा हुया ऐं शाब्दुलतीफ़ भिटाई जो तमामु वॾो पारखो हुयो ऐं मतिलबु शाब्दुलतीफ़ भिटाई जी ॻाल्हि कजे उन्हनि जे रिसाले जी ॻाल्हि कजे त उनखे बज़ुबान यादि हुयो पूरो रिसालो सो बहरहाल ऐं हिन महिल ताईं जेकॾहिं सुर केॾारे जी ॻाल्हि कयूं त ख़ासि तौर ते मोहरमुल हराम में उन्हनि जो प्रोग्राम केॾारो जे नाले सां तमामु घणो मशहूरु रहियो त उन्हनि जी वर्सी बि आहे बहरहाल हाणे सिलसिले खे असां अॻिते वधाईंदासीं ऐं अॼु जेका शख़्सियत ते मौजूदु आहे उहा माशाल्लाह तमामु बहितरीन RJ आहे हा मूंखां उन्हनि जो थोरो अंदाज़ डिफरेंट आहे छो त RJ जो अंदाज़ हमेशह हिक ॿिए खां डिफरेंट हूंदो आहे यूनीक हूंदो आहे ऐं ॾाढो मन खे मोहींदड़ आहे उन खां अलावा एजुकेशनिस्ट बि आहे मोटिवेशनल स्पीकर बि आहे भलीकार चवां थी फरजाना इकबाल क्या अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम शुक्रिया आपने बुलाया पहले तो मैं ठीक हूँ आप बताइए मैं बिल्कुल ठीक ठाक मैंने कहा आज रेडियो के अंदाज में मुखातिब हो जाए आपसे अस्सलाम वालेकुम फरजाना इकबाल आपके साथ हैं और आप सुन रहे हैं जस्ट फॉर यू सिर्फ आपके लिए क्योंकि आप हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं क्या बात है और आप देख रहे हैं सुबह जो आवाज तो मैंने कहा आज जरा थोड़ा डिफरेंट करते हैं कुछ अलग करते हैं क्योंकि हमेशा TV के अंदाज में जब हम बात कर रहे होते हैं तो पता है आपको कि लहजा चेंज हो जाता है आपका अंदाज चेंज हो जाता है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं बहरहाल वो सिर्फ हाशिम हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं जो बहुत अच्छा गाते और ये कब की बात है ये खुशगवार वाक़या 2 साल या 2.5 साल पुराना है हुआ ये कि मैं जब ये FM की बिल्डिंग के सामने 101 के सामने से गुज़रती थी तो मेरा दिल चाहता था क्योंकि उसके ऊपर रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन लिखा हुआ है तो मेरा दिल चाहता था कि मैं जो हूँ मैं भी जाऊँ मैं भी कुछ बात करूँ क्योंकि मैं लेक्चरर हूँ अच्छा लेक्चरर और ये जो बोलने वाले लोग होते हैं ना तो इनका दिल करता है कि ये हर प्लेटफॉर्म पे बोलें बात करें हर मौजू पे बात करें हर तरह से बात करें तो वो जो अंदर से ख़ुद को मनवाने की एक जो है वो लगन थी या चाहत थी या विश थी या डिज़ायर थी तो वो जो है ना मैं चाह रही थी कि हो तो बस वो एक टाइम लिखा हुआ था पता नहीं मेरे ख्याल से 2 साल हो गए इस तरह से आते जाते हुए मेरी नज़र पड़ती थी फिर मैं कभी मेरे पेपर्स हो रहे हैं कभी जहाँ मैं पढ़ाती हूँ कॉलेज में वहाँ बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं लेकिन एक दिन मैंने CV उठाई और मैं FM 101 की बिल्डिंग चली गई और आपकी कुलीग बन गई क्या बात है अच्छा ऑडिशंस होते हैं बाकायदा तो आपका ऑडिशन हुआ था और क्या फीलिंग्स थी जब फर्स्ट टाइम आपको माइक दिया गया और कहा गया कि अब आप बोलें बहुत अच्छा लग रहा था बहुत एक्साइटमेंट थी और मुझे लग रहा था कि अब मुझे प्रूव करना है अच्छा ख्वाहिश तो पूरी हो गई कि सामने माइक है अब जो है जिन्होंने मुझे अपॉइंट किया है उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरना था तो मेरी सलाहियतें मेरी नॉलेज मेरी आवाज़ और जो है वो अपनी फुल एनर्जी मैंने कोशिश की कि बहुत अच्छा लगा क्या बात है अच्छा किस तरह के शोज़ आपको ज़्यादा अच्छे लगते हैं लाइक फास्ट मूड में स्लो मूड में शायराना मिजाज सब कुछ
सब कुछ। हाँ, मेरी पर्सनैलिटी में काफ़ी रंग हैं जो मुझे अच्छे भी लगते हैं। मुझे लगता है कि जैसे हम लोग डिफरेंट किताबें पढ़ते हैं, जैसे डिफरेंट फिल्म्स हम देखते हैं, जैसे डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, कभी हमारा दिल करता है ना कि हम पिकनिक पे जाएं, कभी हमारा दिल करता है कि हम बिल्कुल खामोश रहें, कभी दिल करता है किसी से बात करें। तो बहुत सारे रंग हैं, तो मुझे तो हर तरह की चीज़ अच्छी लगती है। जी, लेकिन हमारे यहाँ कुछ स्लॉट्स होते हैं कि जी मॉर्निंग में आपका मूड ये होगा, इवनिंग में आपका मूड ये होगा, और दोपहर का जो है वो आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होगा, और रात का जो है वो ये होगा। तो वो एक्सपीरियंस रहा आपका सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हमारे स्लॉट्स हैं, जितना भी एक सिलसिला है, तो फेवरेट स्लॉट आपका कौन सा था? फेवरेट 9 से 11 भी मैंने किया है, 11 से 1 भी किया, 1 से 3 भी किया, सभी किए हैं। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि 11 से 1 वाला, क्योंकि उसमें ज़रा टाइम मिल जाता है, लेकिन फिर 9 से 11 जब किया तो उसमें बहुत मज़ा आया। 1 से 3 की अपनी बात है, और जो आपने बात की है कि डिफरेंट मूड्स होते हैं, तो उसमें ये कि देखें, हम लोग जो थोड़े से इस तरह के लोग होते हैं कि जो जिनको परफॉर्मेंस करना जो है अच्छा लगता है, तो वो हम लोगों को मूड भी चेंज करना अच्छा लगता है। अच्छा हमें जब मुझे कहते हैं कि जी इस तरह का हो, जैसे कोई किसी मजहबी शख्सियत के बारे में बात करना हो, तो हमारे लहजे में अकीदत आ जाती है खुद ब खुद, ज़ाहिर है वो एक नेचुरली। फिर हमें जो शोख शंग करना है, तो उसमें मॉर्निंग में हमें एनर्जी लानी होती है, क्योंकि सब लोग, फिर इवनिंग में जो है ना, वो जो थके हारे लोग 5-6 o'clock, मैंने इवनिंग में नहीं किया, लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि वो इस तरह 3 बजे तक का, ये 3 बजे जो है सपहर का टाइम है, उस वक्त तक लोग खाना वाना खा के, अगर ऑफिस में भी हैं तो चाय वाय पी के हल्के से, तो उसमें जो मिला जुला, हाँ मिला जुला। ठीक, तो कभी शायरी का प्रोग्राम करने का मौका मिला? शायरी मैं खुद करती हूँ, इसीलिए मैंने सवाल किया। प्रोग्राम नहीं किया, लेकिन करती हूँ मैं। करती हैं आप, ठीक। तो फिर शायरी का प्रोग्राम करने का कभी होता है कि काश मुझे मिल जाए, क्योंकि वो तकरीबन लेट नाइट होते हैं हमारे यहाँ। हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट, है ना। कभी कभी करने का इत्तेफाक नहीं हुआ? नहीं, लेकिन इंशाल्लाह करूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा कि आप करेंगी। अच्छा, रेडियो पे चूँकि सारी चीज़ें हम लोग खुद ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो कभी कोई ऐसा सीन हुआ दौराने शो? नहीं, कोई 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 फनी या कोई ऐसा टेक्निकल चीज जिसमें आपको बड़ी एफर्ट्स लगी? नहीं नहीं, इतना बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी इतना कोई ऐसा बड़ा नहीं हुआ। शुरू में मैं आई तो आपको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो शुरू में ये कि सब चीज़ें हैंडल करना कि आपके सामने मैसेजेस की स्क्रीन भी है, आपके सामने जो है वो फ़ोन भी रखा हुआ है, आपने सॉन्ग्स प्ले करना है, फिर आपने न्यूज़ का भी ध्यान रखना है, तो बस ये कि वो जब आप करना आ जाता है, जैसे मैं ड्राइविंग करती हूँ तो आप यूँ समझ लें कि करना तो नहीं चाहिए किसी को, लेकिन जैसे खाना अच्छा जो बनाता है, ड्राइविंग, ये जब परफेक्ट हो जाते हैं ना, तो फिर आप जैसे लैंग्वेज के बारे में कहा जाता है कि इंग्लिश या कोई भी, कि उसका जो क्राइटेरिया या उसकी डेफिनेशन है वो ये कि आप बग़ैर सोचे बोलें, तो दैट मीन्स कि आप उस काम में परफेक्ट हैं। तो जब प्रैक्टिस करते करते ये सब रेडियो के जितने भी सब लवाजमात किए, तो नहीं ऐसा कोई गड़बड़ नहीं हुई। गड़बड़ नहीं हुई, लेकिन शुरुआत में ऐसा होता है ना कि आपको टेक्निकल चीज़ें भी संभालनी है सारी, आपको बातें भी करनी है, तो शुरुआत में कभी ऐसा हुआ कि थोड़ी नर्वसनेस या कंफ्यूजन में कुछ एक बोलना कुछ था, बोल कुछ दिया? अच्छा, वो थोड़ा अल्लाह ताला की मेहरबानी है मेरे साथ कि कॉन्फिडेंस दिया है मुझे लगता है मैं कर लूँगी। हाँ, कर लेंगी, क्या बात है। मतलब ये हमारी वाहिद आर्ज है जिसने कोई बंद नहीं किया आज तक, वरना हमारे दौर में जो जो चीज़ें हुई हैं ना, वो अगर मैं शेयर करना शुरू कर दूँ तो मतलब एक लंबी कहानी निकल जाएगी। लेकिन बहरहाल ब्रेक का टाइम, और आपको पता है कि रेडियो हो या टीवी हो, हमें जो ना वो एक सेकेंड का भी ख्याल करना पड़ता है। सो व्यूवर्स, टाइम आर ब्रेक जो ही प्रोग्राम अवां जे लाइ पेश कयो पियो वञे, तरंग जे तावुन सां 10 रुपयनि जे साशे में अवां बेहतरीन क्रीमी चांहि तयार करे सघो था, ऐं ऑलपर्स वारनि जो सहकार पिण हिन प्रोग्राम खे अॻिते वधाइण में हासिलु आहे। मिलूं था शॉर्ट ब्रेक खां पोइ। जी व्यूवर्स, साही खां पोइ वरी अवां सभिनी खे भलीकार चवां थी। हे प्रोग्राम अवां सभिनी जे लाइ पेश कयो पियो वञे, तरंग जे ताबुन सां 10 रुपयनि जे साशे में बेहतरीन क्रीमी चांहि अवां काढ़े सघो था, ऐं उन खां पोइ ऑलपर्स वारनि जे सहकार जा पिण तमामु घणा थोराइता आहियूं। ऐं अॼु मुंहिंजी ख़ुशि नसीबी बि आहे जो अॼु जेका शख़्सियत हिते मौजूदु आहे
उन्हनि सां गॾु मूं इलाही कमु कयो आहे ऐं मुंहिंजो तजुर्बो इलाही बहितरीन रहियो आहे एफ एम ते जॾहिं बि मूं सर सां कमु कयो आहे। सो मां इन करे डायरेक्टली इंट्रोडक्शन ते अचां पई छो त मां वधीक ॻाल्हाईंदमि त टाइम इलाही घणो हलियो वेंदो। इन करे मां चाहींदमि त शख़्सियतुनि सां मां जी मुलाक़ात कराई वञे जेके हिते कही आयूं आहिनि। त पहिरीं जेका शख़्सियत आहे जंहिंसां मां जी मुलाक़ात कराइण वारी आहियां उहो माशाल्लाह अॻूणो एजुकेशनिस्ट आहे, जर्नलिस्ट, कंट्रोलर ऐं स्टेशन डायरेक्टर रेडियो पाकिस्तान कराची धनक एफ एम। हिन उनखां अॻु एफ एम 101 ते रहिया आहिनि ऐं मार्केटिंग सेल में बि सेल्स में बि उन्हनि जो तमामु घणो किरदारु रहियो आहे ऐं कंट्रोलर एफ एम 101 नेटवर्क रहिया आहिनि। भलीकार चवां थी मोहतरम नूरुल्ला बुघियो साहब खे। अस्सलाम वालेकुम सर, हक़ मौजूदु, कीअं आहियो? ठीकु आहियो सर? सर थैंक यू सो मच अवां हिते कही आयो ऐं मां थोरी नर्वस बि आहियां छो त बॉस हमेशह बॉस हूंदो आहे। बहिरहाल सर अवां सां कचहरी कंदासीं, इहे सवाल आहिनि अवां सां मुतालिक़। फरज़ाना जी पहले से मौजूदु हैं और अब एक और आर्ट जिन्हें हमें ज्वाइन किया है जो मेरी ही साथी हैं और मेरे साथ ही काम करती हैं धनक एफ एम 94 पर और उनजो जो भी तजुर्बो रहियो आहे रेडियो पाकिस्तान ते ऐं कराची में भी उन्हनि कमु कयो आहे, इस्लामाबाद में भी उन्हनि कमु कयो आहे। सो भलीकार चवां थी मारिया फहद खे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े में, फिट चल रहा है सब और बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती लेकिन आप लोगों की चाहत है, मोहब्बत है नहीं कि जो यहाँ तक हम पहुँचे। देखिए आपने कुछ किया है अपनी ज़िंदगी में जब भी आप यहाँ पर मौजूद हैं तो बहुत शुक्रिया। बस ये चाहतें मोहब्बतें इंसान की जो होती हैं वो राहें बनाती रहती हैं तो बस उसके ऊपर बस चलते निकलते चलते हैं तो एक मुकाम तक पहुँच जाते हैं। जी सर, एफ एम जी दुनिया मतलब एफ एम जी दुनिया के हवाले से सब का पैरों तो चवण चाहो एडी वी जिम्मेदारी तेजे कुलन ते रही एफ एम 101 नेटवर्क धनक एफ एम रेडियो पाकिस्तान मतलब मुख्तलिफ़ जगहों पर रहा है। सो मारिया जी आप बताइए कि आपका तजुर्बा कैसा रहा? तजुर्बा मेरा औसम, बस इसमें मैंने ये सीखा कि आपके कदम ब कदम आप जैसे जैसे चलते जाएंगे आपको सीखना है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप परफेक्ट हो गए हैं, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था 2001 से, क्वाइट यंग और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस वक्त। तो शुरू शुरू में तो लगा वाह वाह हमने तो दुनिया अचीव कर ली, लेकिन नहीं जैसे जैसे आगे बढ़ते गए ना तो लगा कि नहीं अभी तो स्टार्ट है, अभी तो मैंने कुछ सीखा ही नहीं। अब मुझे चूंकि जब से मैं धनक पे आई हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जो पहले का टाइम था वो तो मैंने ऐसे बस ज़ाया किया, सीखने का मरहला तो मैंने अब शुरू किया है क्योंकि अच्छे उस्ताद मिले, अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला और रेडियो पाकिस्तान का आपको पता है एक नाम है। अगर आपने कुछ सीखना है, अपना तलफ़ सही करना है, अगर आपने अपना प्रोनाउंसिएशन सही करना है या अगर आपने कुछ सीखना है तो बस आप रेडियो पाकिस्तान सुने। हमें बचपन से कहा जाता था कि अगर आपने कुछ सीखना है, अगर ख़ासतौर पर अगर आवाज़ की दुनिया में किसी चीज़ को हासिल करना है तो रेडियो पाकिस्तान, खबरें सुने। तो बस सीख लिया, सीख रहे हैं इंशाल्लाह और बस देखें कब तक ये चलता है सिलसिला आवाज़ की दुनिया तक। लेकिन एक मोहब्बत हो गई, एक अपनाइत है, एक अपना घर सा लगता है। बचपन से स्टार्ट किया और बस पिंडी रेडियो से स्टार्ट किया और जब किया और घर वालों को यकीन ही नहीं था कि अच्छा ये करेंगे। मैंने आरजे बन के प्रोग्राम जब मैंने किया तो घर पे अपने पेरेंट्स को बताया, अम्मी ने कहा कि पता नहीं बच्चा समझ के किसी ने बस ऐसे ही दे दिया प्रोग्राम और पता नहीं शायद होगा भी ऑन एयर। जब ऑन एयर हुआ तो तब सबने अप्रिशिएट किया और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो घर से जो सपोर्ट मिलती है पहले पेरेंट्स की, फिर उसके बाद अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड की, जब तक आपकी सपोर्ट आपके साथ नहीं होगी ना आप कुछ नहीं कर सकते। तो शौक था रेडियो पे काम करने का, ऐसे इत्तफाकन आ गई? नहीं, इत्तफाक से मुझे ऐसा लगता है कोई भी चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, कुछ लोगों को सीख कर उस काम में आना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं छोटी थी तो कुछ नहीं पता था लेकिन बस ऐसे शीशे के सामने खड़े हो जाना, ब्रश पकड़ के बस वो खुद से बातें करना, खुद से बातें करना और स्कूल फिर कॉलेज में फिर वो छोटे छोटे फंक्शंस पे होस्टिंग करना, मॉडलिंग करना, वहाँ पे एक्टिंग करना, तो बस उसी पे थोड़ा सा शौक बढ़ता 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 तो सोचा कि चलो किसी प्लेटफॉर्म तक मूव करते हैं। और मुझे नहीं पता था कि मैं अप्रूव हो जाऊँगी ऐसे ही। उस वक्त तो 2099 अर्ली की मैं बात बता रही हूँ, मैंने ऐसे रेडियो पाकिस्तान पिंडी पे मैंने ऐसे खत लिखा। पहले तो इतना इंटरनेट का नहीं था कि ईमेल कर दिया या कुछ ऐसे, पहले तो इतने लंबे लंबे खत आते थे हमारे पास। मैंने इतना लंबा खत नहीं लिखा था, बस उस पर मैंने फिर अपना शौक जाहिर किया था कि मैंने अभी अभी ग्रेजुएशन मैंने किया है और मुझे इस तरह से शौक है कि मुझे आना है तो आप मुझे एक चांस देंगे। तो वहाँ पे कंट्रोलर साहब थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाएं। जब तक भी मुझे यकीन नहीं था चूँकि मेरे घर के करीब था, मुझे आसानी थी जाने में, मैं चली गई खुद ही किया सब, कोई साथ उस वक्त तक नहीं था क्योंकि अंदाज़ा नहीं था कि ये कुछ कर लेंगी कर सकेंगी।
बहरहाल फिर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ऑडिशन दिया, क्लियर हो गया, फिर प्रोग्राम किया, फिर उसके बाद देन आई मूव इस्लामाबाद रेडियो पाकिस्तान, फिर वहाँ वर्ल्ड सर्विस पे अनाउंसमेंट किया। अनाउंसमेंट थोड़ा टेक्निकली होता है क्योंकि उसमें टाइमिंग्स का आपको हिसाब, क्योंकि वो रिले करना होता था इस्लामाबाद से कि इस टाइम पे न्यूज़ स्टार्ट होनी है, तो वो टाइमिंग का कुछ सेकंड में आपने अनाउंसमेंट किया। और आपने टाइमिंग की बात की तो रेडियो पर एक टाइमिंग होती है कि जी 3 मिनट से ज्यादा बात करेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हमें तो क्योंकि बोलने वाला जो होता है ना, अब जो हमारी प्रोड्यूसर है वो हमेशा ये कहती है लेस टॉक, प्लीज लेस टॉक। बिल्कुल। सो यहाँ ये पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि हाशिम हुसैन से कुछ सुना जाए क्योंकि रेडियो के लोग हों और म्यूजिक ना हो। सरतान इजाजत सा, सबनी जी इजाजत सा, हाशिम हुसैन जिंदगी को सजा मेरे बाहर।
के जो उतरी घट आए माशाल्लाह कमाल करे छड़ियो वा व्यूअर्स इने सा वक्त आए हते ब्रेक जो है प्रोग्राम मा सबनी जिला पेश करे पे वने तरंग जितावन सा तरंग 10 रुपए ने साशे में अमा बेहतरीन क्रीमी चाय काढे सगो था आ उन का पोए ऑलपर्स फारन जे सरकार जा पिण तमाम घणा थो रहता आयो मिलौ था मुक्तसर ब्रेक का पोए जी व्यूवर्स वरी अवां सभिनी खे भलीकार चवां थी सुबुह जे आवाज़ में हे प्रोग्राम अवां जे लाइ पेश कयो पियो वञे तरंग जे ताबुन सां 10 रुपयनि जे साशे में बहितरीन क्रीमी चांहि अवां तयारु करे सघूं था ऐं ऑलपर्स वारनि जे सहकार जा थो रहता आहियूं ॻाल्हि ॿोल खे अॻिते वधाईंदासीं ऐं नूरुल्ला बुघियो साहिबु अॼु के प्रोग्राम में मौजूदु आहे फरज़ाना इक़बाल मौजूदु आहे ऐं मारिया फहद मौजूदु आहे सो मां चाहींदमि त सवेर छो त ॻाल्हि अध में रहिजी वई इन करे सर खां मां ॿीहर शुरूआति कंदमि सर ॻाल्हि हले पई त एतिरा चैनल्स ऐं ऑडियंस ताईं हिकिड़ी बहितरीन क्वालिटी पहुचाइण बहितरीन प्रोग्राम्स पहुचाइण सो इहा रिस्पॉन्सिबिलिटी अव्हांजे कुल्हनि ते आहे इहा केॾी वॾी रिस्पॉन्सिबिलिटी मां सम्झो था हिनखे तमामु वॾी ज़िमेवारी आहे छो जो कॉम्पिटिशन बि घणो आहे कॉम्पिटिशन बिल्कुलु तमामु घणा प्राइवेट चैनल्स कमु कनि पिया ऐं असांखे पंहिंजे ऑडियंस खे इंटेक्ट रखिणो आहे बिल्कुलु विञाणो नाहे त उन लाइ असांखे वक़्तु सर हलणो आहे वक़्त सां गॾु हलणो आहे ऐं जेके तब्दीलियूं अचनि थियूं मुआशिरे में उन हिसाब सां अट्रैक्ट करिणो आहे पंहिंजे लिसनर्स खे त उन लाइ ज़िमेवारी घणियूं आहिनि पर शुक्र आहे त स्टाफ जेको असां वटि हुजे आहे उहो ट्रेंड आहे ऐं हिनखे हितां अकेडमी आहे इस्लामाबाद में उतां ट्रेनिंग 6 महीननि जी मिले थी उन्हनि खे प्रोड्यूसर्स खे त उहे ऑलरेडी ट्रेंड हूंदा आहिनि प्रैक्टिकली हिते असां उन्हनि खे सेखारींदा आहियूं ऐं आरजेस ऐं ॿिए जेके आहिनि उहे बि असां पहिरियों उन्हनि खे 1-2 महीना ईअं रखंदा आहियूं कंबाइंड शो ॾींदा आहियूं उन्हनि खे त ॿिए कंहिं सीनियर आरजे सां गॾु उहे वेहंदियूं आहिनि या वेहंदो आहे ऐं पोइ उनमें असां सम्झंदा आहियूं त हाणे काफ़ी भड़ो थी वियो आहे उनखे काफ़ी कॉन्फिडेंस अची वियो आहे ऐं सभु घुर सिखी वियो आहे त पोइ उनखे असां इंडिपेंडेंट जीअं पायलट हूंदो आहे जहाज़ जो उनखे पहिरियों को पायलट हूंदो आहे पोइ वरी इंडिपेंडेंटली जहाज़ हलाईंदो आहे त ईअं ई असां कंदा आहियूं ऐं सुठी ॻाल्हि जेका असां कई आहे रेडियो पाकिस्तान वारे आहे त FM में असां स्विच ओवर कयो आहे डाइवर्ट कयो आहे पंहिंजे ट्रांसमिशन खे मीडियम वेव मां त हाणे घणे क़दुरु असांजा जेके चैनल्स आहिनि उहे FM में अची विया आहिनि जीअं FM 93 इहो पुराणो रेडियो पाकिस्तान जेको ॿुधंदा था अचनि माण्हू उहो ई आहे पर कुझु FM 93 तां वञे पियो कुझु वरी मीडियम वेव तां त FM जे करे इहो फ़ाइदो आहे त शहरनि में जेका आबादी आहे माण्हू रहनि था उन्हनि जो ईज़ी एक्सेस आहे FM में बनस्बत मीडियम वेव जे छोजो मोबाइल अॼुकल्ह हर घर में आहे हर ॿार वटि आहे त उहो एक्सेस थी थो वञे आराम सां त अॼुकल्ह त ऐप बि अची विया आहिनि त जेकॾहिं हैंड फ्री आहे बि त ऐप जे ज़रिए बि तव्हां जेके नेट आहे त माण्हू ॿुधी सघे थो रेडियो स्ट्रीमिंग जे ज़रिए हा करे सघे थो ऐं ट्यूनिंग त तमामु घणी आसान थी वई आहे उहो त टेक्नोलॉजी घणी एडवांस थी चुकी आहे हिकिड़ो 3 नमूने पूरे वर्ल्ड जो नक्शो अचे थो वञे हुन में ब्लिंक कनि था उहे पॉइंट त किथे किथे रेडियो स्टेशन आहे त माण्हू जेको जॻह पंहिंजी सम्झी वञे ॻाल्हि खे त आराम सां हुनखे ट्यून इन करे सघे थो त असां 101 बि उहो त घणो 1998 खां वठी शुरू आहे उहो भले पियो पर हाणे जेको 2-3 साल पहिरियों असां शुरू कयो आहे उहो धनक चैनल म्यूज़िक चैनल आहे FM 94 त हाणे जेको रुगो म्यूज़िक ॿुधण थो चाहे उहो FM 94 खे ट्यून करे सघे थो छो जो उन में ख़बरूं बि कोन ईंदियूं हाणे न को करंट अफेयर प्रोग्राम ईंदो आहे न का ॿियो को वुमेन प्रोग्राम यूथ प्रोग्राम अहिड़े क़िस्म न रुगो म्यूज़िक वेंदी आहे उनमें त असां माना हर कैटेगरी जे माण्हुनि जे लाइ मुख़्तलिफ़ चैनल शुरू कया आहिनि NCSE हिकिड़ो चैनल आहे असांजो न्यूज़ एंड करंट अफेयर चैनल उन में रुगो करंट अफेयर जूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि त जंहिंखे इन्हनि शयुनि में दिलचस्पी आहे उहो ॿुधी सघे थो माना हर माण्हू ऐं हर मिज़ाज माण्हू जे लाइ माना डिफरेंट हिकिड़ी शइ मौजूदु आहे त तव्हांजी मर्ज़ी आहे तव्हां जेको चैनल स्विच कयो जेको चैनल तव्हां ॿुधो इहा तमामु सुठी ॻाल्हि आहे फरज़ाना जी आपसे बात हो रही थी और बड़ी मज़े की बात आपने कही कि अभी तक कोई वाक़िया पेश नहीं आया वरना हमारे साथ तो इतने वाक़ियात हो चुके हैं कि काउंटिंग करें तो फिर पता नहीं कितने हो जाएंगे बहरहाल इस सफ़र में आपका साथ सबसे ज़्यादा किसने दिया यानी कि किसने आपको सिखाया किसने तरबियत की सबसे पहले तो खलील चना साहब जिन्होंने मुझे मौका दिया और वो साथ साथ सिखाते भी रहे मतलब ये कि वो सरबराह भी हैं हमारे इदारे के और वो फादर फिगर भी हैं और डांट भी पड़ती है समझाते भी हैं तारीफ़ भी करते हैं इस्लाह भी करते हैं उसके बाद अच्छा ये एक टीम वर्क है मैं तो ये कहूँगी कि कंट्रोलर से लेकर प्रोड्यूसर से लेकर और हमारे जो ड्यूटी ऑफिसर्स हैं ये इट्स लाइक अ फैमिली और हर मेम्बर ने कॉपरेट किया
माशाल्लाह, बिल्कुल, और बिल्कुल आपने सही कहा कि टीम वर्क के बिना चाहे ये शो हो या वो शोज हो, वो बिल्कुल नहीं हो सकते। लेकिन मारिया जी, यहाँ पर ऐसा है कि हमारा टेक्निकल काम दूसरे संभाल रहे होते हैं, हम लोग फ्री हैं, हम लोग बस बातें कर रहे हैं। एफएम पर सारी चीज़ें खुद करनी होती हैं, इवन हम लोग जो गाने प्ले करते हैं वो हम लोग लिख भी रहे होते हैं, साथ में लॉग बुक भी, स्क्रिप्ट भी आपका होता है, तो वो कितना शुरू शुरू में कितना मुश्किल था आपके लिए वो सारी चीज़ें मैनेज करना? ये है कि अगर आप मुश्किल अपने सवार करेंगे दिमाग पे तो आपको हर काम ही मुश्किल लगेगा। जब आपने लगन से कोई काम करना है ना, जब आपको पता है कि ये आपको करना है या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शामिल है। अब अगर घर की मिसाल लें, घर में भी तो इतने बड़े बड़े काम हम कर रहे होते हैं, लेकिन कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से निभा रहे होते हैं। तो बहरहाल अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब थोड़ा सा बड़ा इजी होता था कि बस आपने सिर्फ माइक पे बोलना है, बैठना है, बस शीशे के उस पार इंजीनियर होंगे, वो इशारा करेंगे, मिक्सिंग करनी है, ये करना है, वो करना है, इस तरह से बस होता था। लेकिन फिर जब मैं दोबारा यहाँ पे धनक पे आई, कुछ गैप के बाद थोड़ा टाइम दिया मैंने, और फिर यहाँ बिल्कुल सेटअप बिल्कुल चेंज था। यहाँ पे आपने ही हर चीज़ करनी है, लेवल का भी ख्याल आपने ही रखना है, म्यूज़िक भी प्ले करना है, और हर चीज़ का मतलब आप। और जब आपको ये पता हो कि रबिया अकरम सुन रही है और मैम रबिया सुन रही है, यकीन करें कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है। लेकिन उसके साथ साथ अभी आप जैसे अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में भी आपने कहा ना, जब भोगे साहब आए कि जब बॉस होते हैं तो थोड़ा सा इंसान होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ी ब्लेसिंग होती है जब खास तौर पे मुझे जब पता चलता है कि भोगे साहब मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने एक दो दफ़ा ऑन एयर कॉल भी किया, लाइव करते सुनते हैं सबसे बड़े, और मुझे बड़ी हौसला अफजाई होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार बॉस सुन रहे हैं, तो उसमें फिर थोड़ा सा इनकरेज होती हूँ मैं, तो वो और एनर्जी आती है। लेकिन हमारे साथ ये होता है कि मतलब अगर हमें ये मालूम हो कि मैम रबिया अकरम हमें सुन रही हैं तो क्या होता है कि गलती का मार्जिन नहीं होता, और अगर इतनी सी भी गलती हो जाए तो वो कॉल आ जाती है, exactly, ये मैसेज आ जाता है कि जी आपने अगर ये इस तरह होता तो बेहतर था, तो उस वजह से आप लोग कॉन्शियस ज्यादा हो जाते हैं। बहरहाल अब चूंकि हमें न्यूज ब्रेक की जाने बढ़ना है तो बातचीत को मैं फिर आगे कंटिन्यू करूंगी। व्यूवर साइमा है ते ब्रेक जो है प्रोग्राम आवाज लाइव पेश करे पे मन तरंग आई ऑल पर सितावन से मिलूं था शॉर्ट ब्रेक कम पर। डीवीवर्स वरी अवां सभिनी खे भली गार चवां थी साही खां पोइ हे प्रोग्राम अवां जे लाइ पेश कयो पियो वञे तरंग जिताबुन सां। तरंग 10 रुपयनि जे साशे में बहितरीन ऐं क्रीमी चांहि अवां काढ़े सघो था, ऐं उन खां पोइ ओल्पर्स वारनि जे सहकार जा पिणु तमामु घणा थोरायता आहियूं। ॻाल्हि ॿोल खे असां अॻिते वधाईंदासीं। अॼु माशाल्लाह सीनियर आरजेस हिते मौजूदु आहिनि ऐं असांजो बॉस हिते मौजूदु आहे, सो उन्हनि सां बि ॻाल्हि ॿोल असांजी हले पई। उमेदु आहे त हीअ कचहरी अव्हांखे तमामु घणी पसंदि अची रही हूंदी। सर, अॼुकल्ह नौजवाननि में आरजे ठहण जो शौक़ु ॾाढो वधी वियो आहे, सो बहितरीन आरजेस में कहिड़ियूं क्वालिटीज़ हुजणु ज़रूरी आहिनि? जी, मुंहिंजे ख़्याल में मूंखां वधीक बहितर तव्हां ॿुधाए सघो था। तव्हां प्रैक्टिकली आरजे वारो कमु कयो था, पर त जीअं माण्हू रहनुमाई थिए नौजवाननि जी, पहिरीं ॻाल्हि आहे त क्लियरिटी हुजे ॻाल्हाइण में, विचड़ियल आवाज़ु न हुजे, जेको लफ़्ज़ उचारे उहो क्लियर डिलीवर थिए। ॿी ॻाल्हि आहे त फ्लुएंसी हुजेसि, रवानी हुजे, अटकजे न, हबके न, हा रवानी सां फ्लो में जुमिला अदा करे, डिलीवरी सुठी हुजेसि। ऐं टीं जेका अॼुकल्ह जे दौर में घणी अहमियत रखे थी, उहा आहे त चङो पढ़ियलु लिखियलु हुजे, जीअं नॉलेज बेस हुनजी सुठी हुजे, जीअं हू हर टॉपिक ते एडलिप ॻाल्हाए सघे बग़ैर स्क्रिप्ट ॾिसण जे, यानी कि हुनखे एतिरी नॉलेज हुजे हर फील्ड जी, हर शोबे जी, जो हो जेको आहे सो कॉन्फिडेंटली कंहिं टॉपिक ते ॻाल्हाए सघे। ऐं ॿियो त वरी इंटरएक्टिव हुजे, यानी कि अॼुकल्ह फोन कॉल्स वग़ैरह अचनि थियूं न, त उन में उहो विटी हुजे, हाज़िर जवाबु हुजे, ईअं न त सोचे वेठो हुन हिकदमि जवाबु ॾिए, ऐं विटीनेस हुजेसि हुन में ॻाल्हाइण ॿोलाइण में थोरो भड़ हुजे, माना इहे सभु क्वालिटीज़ हुजनि। म्यूज़िक चॉइस या म्यूज़िक, हा म्यूज़िक चॉइस त हाणे उहा त हिकिड़ी अॼुकल्ह उहा या घणी थी वई आहे नौजवान में। मुंहिंजा पंहिंजा ॿार जेके आहिनि, मां हैरान थियुमि जॾहिं गाॾी में हलाईंदा आहियूं असां मुख़्तलिफ़ स्टेशन, त हिकिड़ो ॿारु मुंहिंजो जेको आहे सो उहो अक्सर गज़लूं जेके आहिनि सो उहे ॿुधे पियो। हाणे गज़लूं ॿुधण लाइ हिकिड़ो ख़बर अथसि त घणो ध्यानु बि खपे ऐं गहराई बि खपे सोच जी, मतिलबु मैच्योर माइंड, हा मैच्योर माइंड खपे। हाणे नंढा ॿार 20-21 22 सालनि जा ॿार
असा तो कैसे 12 साल गुड हुए तो हाँ वो गजलू बुधन था माना म्यूजिक की जरे घट मुखा या मुझी इक्वल लेवल से बारह नॉलेज है तकरीबन म्यूजिक अजक लेटेस्ट जो सिंगर्स उन्होंने बारे में जानन था चंगी तरह उनके जबानी याद भी आन बोल भी याद तो म्यूजिक की नॉलेज होने घुर्ज लाजमी आंदी ऑटोमेटिकली जो हेडे अचण तो चाहे फील्ड में उनमें तो ऑटोमेटिकली होंगी छो जो शौक न हो तो वो तो नथो वही सके काथे भी शौक होने जरूरी है या जो आखिरी क्वालिटी आया है तो उनमें घो पैशन हो घो शौक हो वलवलो जज्बो हो उनमें तो वो राइट बिल्कुल तमाम सुठी गाल की। अच्छा फरजाना जी आप जाती तौर पर किस तरह का म्यूजिक पसंद करती हैं? मुझे अकॉर्डिंग टू द मूड ड्राइविंग जब करती हूँ तो मुझे फास्ट पसंद है, गैदरिंग में तो मुझे लाइवली पसंद है और सैड मैं इतना नहीं सुनती बिकॉज आई बिलीव कि सॉन्ग्स का और मौसीकी का आपके मूड के ऊपर और आपके जो एक जो एक्टिवनेस है ना उस पर असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। सो आई थिंक सैड जो है बस ऐसे ही सुन लेती हूँ लेकिन ज़्यादातर मुझे दूसरी तरह का म्यूज़िक पसंद है। और अगर आपको शो ही ऐसा दिया जाए जिसमें गजल्स हो, उदासी वाला माहौल हो, जैसे सर ने एक बात की थी कि बीइंग एन आरजे बीइंग एन लेक्चरर मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आप को मोल्ड कर लूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन और इसमें आपको मज़ा भी आपको अच्छा भी बहुत लगता है कि अच्छा आई कैन डू दैट कि अगर मुझे दिया जाए तो मैं बिल्कुल कर लूँगी। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि अगर कोई इस तरह का है कि कोई संजीदा मौजू है तो उसी तरह से अपने लहजे को जो है वो थोड़ा सा सीरियस टोन देना या फिर थोड़ा लाइवली है तो आपको बिल्कुल चेयरफुल हो तो जो आपने शायराना बात की या कोई इस तरह जिस तरह का हो तो अकॉर्डिंग वो भी एक यू ऑल्सो लव टू डू दैट बिकॉज बींग एन आरजे और परफॉर्मर जो परफॉर्मर होते हैं ना उसको अपना गोल अचीव करके कि अच्छा मैंने कर लिया तो मुझे तो हर चीज़ में खुशी मिलती है। माशाल्लाह क्या बात है। अच्छा मारिया जी आप बताइए कि आपको किस तरह का म्यूज़िक ज़ाती तौर पर पसंद है आपको? ज़ाती तौर पर बस फास्ट एंड लाइट, बहुत स्लो सैड म्यूज़िक जो है ना मुझे कभी भी पसंद नहीं रहा और तो, लेकिन इतना है कि अगर मुझे कोई गज़ल का कोई प्रोग्राम मिले तो मैं उसको अपनी टोन डाउन करके उसको थोड़ा कर लूँगी, निभा लूँगी, एक चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट कर लूँगी। लेकिन पर्सनली मुझे जो है ना फास्ट, मुझे ऐसा लगता है कि यंग एज मतलब अगर मैं बाकी लोगों की बात करूँ तो मुझे यही लगता है कि नहीं ज़िंदगी में जो है ना तेज़ी रखनी चाहिए, रंग होने चाहिए ज़िंदगी में, रंगीन होनी चाहिए। अक्सर लोगों को देखा है बहुत कम उम्र में गज़ल सुन के मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि अच्छा इस एज में ये टेम्परामेंट भी हो सकता है, अच्छा ऐसे भी सुना, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके माहौल पे, आपकी नेचर पे। लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना वो फास्ट ट्रैक से ही पसंद है, इसीलिए मैंने अपने प्रोग्राम में भी फास्ट ही जो है वो जो है चंग्स मैंने उनको रखा। अच्छा फास्ट जो है वो हमारी इवनिंग में होते हैं लेकिन जो मॉर्निंग का जो चंग है उसके अंदर होता है कि मिक्स म्यूजिक जिसमें फोक मतलब वो शादी ब्याह के जो सॉन्ग्स होते हैं उस तरह के, लेकिन उस पर भी थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है कि ज़ाहिर स्टार्टिंग डे है उस पर आपने बूस्टअप करना है, एनर्जेटिक करना है, सुबह ही गज़लें लगा के बैठ गए तो वो वाकई सुबह हो जाता है तो बस उस पर थोड़ा सा इस चीज़ का मूड का जो है वो थोड़ा ध्यान रखा जाता है कि बस ये चीज़ें इसी तरह धनक पे ही आके सीखी हैं कि कौन से मूड का कौन सा टाइम है। अगर आप सुबह में गज़लें लगा के बैठेंगे सारा दिन जो है उसका आपका डल गुजरता है। ठीक माशाल्लाह। अच्छा सर से ज़रा थोड़े से मुश्किल सवाल आते, मतलब हम हमेशा डरते हैं सर, ताकि हम भी इसको अच्छा तो मतलब हमेशा हम जो है ना वो सर से डरते हैं, आज सर को डराते हैं मेरे पास ही है याद रखना सर को डराते हैं थोड़ा सा। सर तुम्हारा फेवरेट आरजे पानी पूरी टीम आके आपका फेवरेट आरजे पूरी टीम में कौन है सर? ये दुश्मनी हो जाएगी बाकियों से? नहीं सर दुश्मनी की बात नहीं है, एक चॉइस होती है ना आपका एक पसंद होती है आपकी जो हुआ उन्होंने तो छे वह कुछ डॉक्टर जे खान जी है वह भी कैनेडा हली वही ये वन वन में होंगी हूँ जैसे मैं उतरे होंद मुझे ढी बेस्ट लगे हूँ हर लिहाज से परफेक्ट हर लिहाज से यकीन तो ये वेठी है मारिया फहद जो है शुरू में आई तो हबके भी घबराए भी
पर रबिया अकरम बेसिकली लुक आफ्टर कह चैनल के एफ एम 94 के उन्होंने जी ग्रूमिंग अड़ी कई जो हिंसर मुख्य भलो लगे बुध में अक्सर फीडबैक दिनों आए राइट फीडबैक मिलता है और क्योंकि मैं जब आई थी तो एक तो काफ़ी गैप के बाद आई और थोड़ा सा जैसे मैंने कहा कि मुझे पिछला टाइम मुझे लगता है मैंने कुछ नहीं सीखा बर्बाद किया लेकिन जो हमारी मेरी प्रोड्यूसर हैं मेरी मेंटोर हैं मेरी उस्ताद हैं उन्होंने बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे बोलना है क्योंकि बींग अ पंजाबी बहुत सारे जेर और जबर आपको पता है पंजाब में जेर लगानी मज़ा अगर मुझे पता होता मैं आपसे कहती कि प्लीज़ पंजाबी में जवाब दीजिए ले तो फिर तुम किसी ने समझ ही नहीं आनी क्यों नहीं आनी एक कदर को पंजाबी आ जाए होता तो मैं समझ लाँगी सॉरी मैंने कहा मैं समझ लाँगी अच्छा मैं भी समझ लाँगी अरे वाह वाह तो बस थोड़ा सा उस पर मुझे बहुत हेल्प मिली मैम ने एक एक चीज़ जो है वो बताई बिल्कुल बच्चों की तरह जिसमें उन्होंने डांटा भी प्यार से भी अच्छा फिर उसके बाद फिर फॉलोअप भी किया कि जो सिखाया वो बताया वो इन्होंने दोबारा कंटिन्यू किया रवानी आ गई उनसे बात करके नहीं मारिया बात में नहीं करना इवन कि वो काउंट करती थी कि तुमने इतने सेंटेंस मतलब इस सेंटेंस में तुमने इतनी दफा किया मतलब अल्लाह अकबर बेहतरीन प्रोड्यूसर बेहतरीन माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको बहुत सलाहियत थी एक शिकवा है सर एक शिकवा है किससे मुझसे तो नहीं बस मुझे शिकवा है कि राबिया अकरम जैसी नफीस काबिल और इतनी काइंड हार्टेड और लविंग लेडी जो ना वो हम मैं आई तो वो चली गई थी बस ये हाँ ये लेकिन हम खुश नसीब हैं कि वो अभी तक हमारे साथ हैं हमें मिली हाँ हमें मिली वन ऑफ द काइंडेस्ट लेडी अच्छा सर प्रोड्यूसर्स मतलब या प्रोग्राम मैनेजर से तुम इलाही रो लाजिम आए सजो जो ट्रांसमिशन है उनके उ लुक आफ्टर कह सो उन में तुम केर पसंदीदा रो तुझे नज़र में कें बेहतरीन तरीके से सजन मामलों के डील कर यो भी मुश्किल सवाल है यो सवलो आ मतलब सवलो है सर ओके सो आंसर है तरीके तारीफन जा पुल अनन बदान वठी बई तारीफ को कर ना जायज पुल है त आने रबिया अकरम बेस्ट आए एफएम ट्रांसमिशन ला बेस्ट आ ठीक उने में उनके घणो की इन सब जो तकरीब नौकरी परफेक्शन आ उने जी छो जो 101 ते काफी अरसो उन एज अ प्रोग्राम मैनेजर एज अ प्रोड्यूसर कम कयो आ तो वो तजुर्बो उनके कम अचे पे 94 ते भी तो बेस्ट प्रोग्रामिंग में रबिया अकरम छो उनके डाउ अचे तो प्रोडक्शन अचे थी उनके पान वॉइस भी उन जो सुठो आ माशाल्लाह उन जो इस्तेमाल अचे तो बेसिकली वा रेडियो के जॉइन कण का पेरू आर्टिस्ट हुई असन हैदराबाद में स्टेशन ते उते ये ड्रामा वॉइस में हुंदी कंपेयर बुदी त हाँ जो अंदाज लगा तो जो उवी साल वी फील्ड में आए तो वो हिंसर ताते पौतो हों तो बेस्ट तो है माँ उन पे गाल जवाब थोड़ा अधूरो रहो तो विच में वही वो यो तो बेस्ट आर्टिस्ट तुम पुछो तो तुम नालो इन ला वस जो तुम इन महल वे रूटीन जो जो प्रोग्राम हों उन हटी कर वर्सटाइल आर्टिस्ट के तुरंत पान मंझायो कि जो तहां आणी गीत गजल वाला प्रोग्राम जो है वो दुख कम हों अदबी कम होंगे सब उर्दू शायरी के तहत लफ्ज़ के पढ़ण सही उचार से गुड समझी यो प्रोग्राम मौको घट तो मिले बुधण उन टाइम से वो टीवी जहाँ बे कम शुरू थन्दा जो छह का अठे प्रोग्राम तो वाक कह उन विच में तो वाक कदे वो बुध तो छह का अठे वो चंक में घो बुध तर कदें कदम बुधो आ पर मुख्य ढी हैरानगी थी तो मतलब सिंधी फैमिली से तारक रखड़ कि उर्दू शायरी करी सुठे नमूने से तान के भी मजरा एज अ वर्सटाइल आर्टिस्ट थैंक यू सो मच आई एम प्राउड ऑफ यू थैंक यू सो मच सर यो तमा सबनी जो कमाल है छो तो जगह सुठा उस्ताद न होजन सुठी टीम न हो तो थी न तो सके इवन जैसे मूँ जॉइन कयो तो मुख्य लगो तो मुख्य कोई अड़ो ही फास्ट स्लॉट मिलन छो तो उन अग 101 ते मैं फास्ट कंदी रहम बट मैम रबिया ने मुझे कहा कि शाजिया आप शायरी का शो करेंगे मैंने कहा मैम मुझे तो शायरी पढ़ने ही नहीं आती मैंने कभी नहीं पढ़ी मतलब लहजे में खाना तो मैम ने कहा नहीं आप कर लेंगी आप ये वाला शो करें
तो यादिश बख़ैर का जो इंतखाब था वो मेरे लिए मैम रबिया अकरम ने किया था, क्योंकि वो समझती है ना, हाँ, उनके माशाल्लाह उनको गॉड गिफ्टेड है, उनको अंदाज़ा था कि ये आवाज़ ये टोन जो है वो इस प्रोग्राम के लिए बिल्कुल बेस्ट है। तो वो मेरे लिए पहला तजुर्बा था कि मैंने शायरी का शो वहाँ पे शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा फीडबैक मिला कि मैं आज तक शाज़िया जैसे आपको देख के लगता है कि आपका मिजाज शायराना है और एक वो जो फैंटेसी और वो इमेजिनेशन है आपकी आंखों से भी, तो राबिया अकरम माशाल्लाह इतनी काबिल खातून है, उन्होंने जो है वो हीरे कदर उनकी थी उनके दिल में सही, तो उनका म्यूजिक से भी इनकी वापस तक यूँ है कि खुद भी गाती हैं माशाल्लाह, अच्छे सिंगर भी हैं, लेकिन पता नहीं वो प्रैक्टिस छोड़ दी है। मुझे क्या लगता है जारी रखो प्रैक्टिस सर, प्रोग्राम में गाई दिए हैं एफएम ते घणे भांगे पर चाहे तो वरी हाणे होस्टिंग वगैरह अच्छी वही आहे त इन करे पूरी इलाही जगह शयूं वणे घणा कम थी आहे घणा कम थी आहे त इन करे कुछ शयूं जेके आहिनि उहे छॾणियूं पयूं वक़्त जे मुनासिबत सां। सो बहरहाल सर माशाल्लाह तव्हां पूरो नेटवर्क यानी कि जेको भी नेटवर्क आहे उहो समूरो हिन महिल ताईं संभालियो पिया ऐं उन खां पोइ वरी तव्हां सेल्स वारी साइड ॾे बि रहियो, उन हवाले सां तव्हां सां कुझु कचहरी कंदासीं पर व्यूवर्स टाइम आहे हिते ब्रेक जो, बल्कि मार्केटिंग एंड सेल मार्केटिंग एंड सेल्स जे हवाले सां कुझु कचहरी कंदासीं पर ब्रेक जो टाइम आहे। हे प्रोग्राम अव्हां जे लाइ पेश कयो पियो वञे तरंग जे ताबुनि सां ऐं ऑल पर्स जे ताबुनि सां, मिलंदो शॉर्ट ब्रेक खां पोइ। जी व्यूवर्स वरी अवां सभिनी खे भलीकार चवां थी। हे प्रोग्राम अवां सभिनी जे लाइ पेश कयो पियो वञे तरंग जे ताबुन सां, तरंग 10 रुपयनि जे साशे में अवां बहितरीन क्रीमी चांहि काढ़े सघो था ऐं ओल्पर्स वारनि जे सहकार जा पिण तमामु घणा थोराइता आहियूं। हाणे ॻाल्हि ॿोल खे असां अॻिते वधाईंदासीं पर उन खां पहिरियों उससे पहले मैं चाहूंगी कि एक कलाम सुन लिया जाए, क्या बात है, उसके बाद फिर आपको सिखाएंगे कि मार्केटिंग कैसे की जाती है। जी सर है ना जी, सो हाशिम हुसैन
जाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। वाह वाह वाह, आशियाने की बात करते हो। सर हाँ ये न चाहो कि आप मार्केटिंग की बात कर रही हैं, बस कें भी चैनल के हलाइन जलाए या कें भी प्रोडक्ट के मार्केट में इन करण जलाए, मार्केटिंग केतरी इम्पोर्टेंट होंगी है तुम इलाही गहरो वास्तो रो है। बिल्कुल, मां समझा तो जी चंदन तो घोड़ो जो हल तो उनके गाव खपे खुराक खपे, तीन कोई चैनल को भी इदारो आ तो उन्हें जिकने माली तौर पर मुस्तहकम ना है तो हली ना सको। बिल्कुल, उनके मार्केटिंग की जरूरत पे थी, अजक मार्केटिंग में खबर तो केतरो पढ़ाया तो वे बीबीए एमबीए थी कराई वे बार सीखी था अचन, पर प्रैक्टिकली जो शे मुख्तलिफ है ढी। बिल्कुल डिफरेंट है, पर कुछ बेसिक शन जो वाकई कम अचन थी वो यो आ जी रेडियो की गाल कर मार्केटिंग की तो पैरों सर्वे करो पव मार्केट केतरी है अवेलेबल केतरो फंड अवेलेबल है रेडियो की मार्केटिंग लाए इन शहर में या मुल्क में तो उन हिसाब से दिखो वो असा केतरो शेयर वध में वध वी सूँ था उन कें तो वी सकज ओवर को जो क्लाइंट है उनके कन्विंस करो पवो सुटो टॉकेटिव हो मूँ फैक्ट्स एंड फिगर्स सही होते भी टॉकेटिव हो। हाँ बिल्कुल, उनके समझाए उनके कन्विंस करे तो असो चैनल उन्होंने प्रोडक्ट के इंट्रोड्यूस कर या पॉपुलर कर छो कराए तो असराए तो है तो उन्होंने बुधानो पव जिसमें रूरल एरिया की प्रोडक्ट है जो रूरल में असा किथे किथे रेडियो है उनकी रीच केतरी है एक्सेस केतरी है मू में मकबूलियत केतरी है प्रोग्राम की यो उनके साबित करो पव फैक्ट्स एंड फिगर्स गुके भी सर्वेस वगैरह जो थी रहा इंडिपेंडेंट उ खड़ी वाला पव बुधानो पव वरी चंदा तो सही जगह तो सही गाल कजे तो जगह प्रोडक्ट जै नमूने की हुए तो उनके उन नमूने से समझानो पव मिसाल तौर वो था मिठी में था मार्केटिंग करना चाहो तो मिठी की साइकी है उसे वो जुस्तजु मेहनत करनी पे थी इन लाइ इन में जो सो जो बिजनेस आनी उनके कमीशन देो हों तो जी उनमें चाह वे शौक वे वो दिल लगाए मेहनत करे कम करे तो असा एज अ बींग इंचार्ज जो मार्केटिंग कई काफ़ी डेढ़ साल पा भी काफ़ी डायरेक्टली भी क्लाइंट से इंटरेक्ट कर पे तो मुख्य ढो मज़ो अचान लगो आस्ते आस्ते छो जो जैसे हली तो पे नालो थी तो वे ना मार्केट में तो पोर क्लाइंट पा था अचन तेज। हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह तुम तो इलाही टाइम गुजरियो है डाढ़ो गुजरियो है डाढ़ो सुठो तजुर्बो रो काफ़ी रेडियो के जी इनकम में वाधारो कयो इन हिसाब से सही नवा नवा उनमें यो हो अस नो क्लाइंट को आनी तो उनके घो इंसेंटिव दिनों वो तो तमाम घना नवा क्लाइंट आंदा माशाल्लाह इन मार्केटिंग के करे प्रोग्राम जो पॉपुलर हो सुठो हो प्रोग्राम भी ठीक करना पवन था तो जी उनके खबर पे तो इन प्रोग्राम के विच में दौरान जैसे को एड हलो उन तो वो घो बुध हों छो तो मूँ घो बुधन ठीक। अच्छा सर, अक्सर अस हों प्राइम टाइम जी उन में कमर्शल्स की माना दिखो है तमाम घना कमर्शल्स हों तो इन जो सबब हों। हाँ प्राइम टाइम में रेट भी थोड़ा हों माना इन मतलब ये होंगे तो इन टाइम में रेडियो बुधंद घना अवेलेबल हों या टीवी दिसन घना। हाँ उन्होंने अलग है टीवी रात जो घनी दिखी वे रेडियो जो है मॉर्निंग ड्राइव टाइम इवनिंग ड्राइव टाइम ये प्राइम टाइम समझो वो छो जो जैसे गाड़ी में घो था बुधन ना मू तो ड्राइव टाइम आए तो उनमें यो आ मू ऑफिस वेंदे रिमोटे या बिजनेस कम्युनिटी है वहाँ भी दुकान खोल वे थी वो शाम रात जो मोटी थी तो उन टाइम से जो सो जो एड हले तो उन वैल्यू घनी आ उनो पेमेंट भी घनी है इन्वॉल्व उनमें तो रेडियो जो इन ही है जो खवातीन के फोकस तो कर वे तो यारह का एक विच में
औरतूं नाश्ते बाश्ते घुमाई थी पो अच्छे वेंदियूं या टीवी के सामू या रेडियो खोली तो पो उने मर औरतुन जे लिहाज सा प्रोग्रामन के तरतीब देनो पंदो आ सही आई मतलब कमर्शियल्स भी उन हिसाब से यानी कि उन स्लॉट में शिफ्ट किया वेंदा है बाबा हाँ मल ऑडियंस असो जो है ऑडियंस औरत है या मेजॉरिटी औरतुन की होंगी तो माना इन हिसाब से टारगेट्स सेट करना पवन बिल्कुल सो वाकई इलाही मुश्किल है यो जज करे किस्म की ऑडियंस बुधंदी होंगी। अच्छा फरजाना जी ऑडियंस तो हमारी भी होती है तो आप किस तरह जज करती हैं कि इस वक्त मुझे किस तरह के लोग सुन रहे होंगे मुझे किस तरह प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है और म्यूज़िक का इंतखाब करना है किस तरह की बातें करनी है। अच्छा दो बातें एक तो ये कि नॉर्मल डेज है नॉर्मल डेज का मतलब वर्किंग डेज है कि कोई ईद या कोई ऐसी हॉलीडेज नहीं है या खुदा ना खास्ता जैसा भी कोरोना है या कोई इस तरह का नहीं है कि लोग घर में आपको पता है पहले जो है वो बंदिश हो गई थी और काफ़ी चीज़ें जो है हमारा मैकेनिज्म हमारे ऑफिसेज और इदारे बंद हो गए थे तो उसमें हमें पता होता कि बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है वो घरों पे होगी तो फिर हमें पता होगा जी ऑडियंस में मिले जुले लोग होते हैं। अच्छा नॉर्मल डेज में वर्किंग डेज में अगर हम मंडे से फ्राइडे तक की बात करें तो उसमें अगर मॉर्निंग का शो हो रहा है कि 9 से 11 तक का हो रहा है तो हमें पता है कि ये लोग अपने काम पे जा रहे होंगे ऑफिस वर्क के लिए या बिजनेस के लिए या लेडीज़ जो हैं वो भी जो वर्किंग लेडीज़ हैं वो बाहर इस वक्त ट्रैवल कर रही होंगी या फिर घर पे बच्चों के लिए वो कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रही होंगी तो ये जो है ना टाइम वो वही वाली बात जैसे इन्होंने भी की कि ये ज़रा लाइवली सा टाइम होता है इसमें हमें एनर्जी देनी होती है हमें थोड़ा मोटिवेट करना दिन भर के कामों के लिए तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ग्रेजुअली तो लोगों को लोग और फिर वो जो है वो टाइम पीरियड चाहे वो दिन का हिस्सा है चाहे वो वीक का है चाहे वो हॉलीडेज़ हैं तो लोग क्योंकि ये हॉलीडेज ये सब चीज़ें लोगों के लिए हैं ना तो हम लोग और फिर उसके हिसाब से सब करते हैं। ठीक बड़ी खूबसूरत बात आपने कही। अच्छा मारिया जी से सॉरी मारिया आपकी बात काट रही हूँ मैं आपसे बिल्कुल बात करूँगी लेकिन ब्रेक के बाद। आप समझती हैं कि ब्रेक जो है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है और उसके लिए टाइमिंग का ख्याल करना ये भी बिल्कुल सर भी बस आए माए थे ब्रेक जो हे प्रोग्राम अवज ला पेश कर पे वे तरंग के ताबन से ऑलपर के ताबन से मिलूँ था शॉर्ट ब्रेक का पे जी व्यूवर्स वरी अमां के भली कार चवां थी हे प्रोग्राम अवां सभी के लिए पेश कर पे तरंग के ताबन से 10 रुपये के साशे में बेहतरीन चाय अवां काढ़े सको था जहाँ होंगी बिल्कुल क्रीमी उनखा पोए ओल्पर्स वारन के सहकार जहाँ थो रहता है सहकार मेहमानन जो भी है। जी मारिया आप कुछ कह रही थी बात भूल गई लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि आज तो मैंने भी तरंग की और ऑलपर की चाय पी ली हालांकि मैं चाय पीती नहीं हूँ आज आप लोगों ने मुझे भी चाय पिला दी आपने पी ली ना अच्छी थी टेस्टी थी हाँ माशाल्लाह क्या बात है। चलें फिर मैं आपसे सवाल करती हूँ क्योंकि बात आप भूल चुकी क्योंकि बातों की उसकी मैंने कहा ऑफ द रिकॉर्ड हमने बहुत सारी बातें की बहुत सारी बातें होती हैं बिल्कुल। अच्छा मारिया ये बताएं कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप एक फास्ट मूड का शो कर रही हैं अचानक कोई हादसा हुआ कोई वाकया हुआ और आपको कहा गया कि मारिया जी फौरन टोन डाउन हो जाएं? हाँ बहुत दफ़ा हुआ है और अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि कश्मीर आज़ाद कश्मीर में एक अर्थक्वेक था तो उस पर मैं जल तरंग मेरा प्रोग्राम बहुत फास्ट होता है पूरी प्लेलिस्ट ओपनिंग कर दी कि जी मतलब हम हर चीज़ एवरीथिंग वाज रेडी ना मतलब मैं खुद बहुत एनर्जेटिक थी और फिर मैम की कॉल आई कि इस तरह से वहाँ पे हादसा हुआ है और कुछ कैजुअलिटीज़ हुई हैं तो मारिया थोड़ा सा आप टोन डाउन कर लें प्लेलिस्ट अपनी बिल्कुल इसको साइड पर कर दें आरफाना कलाम चला दें तो उस वक्त थोड़ा सा जो है पता चला कि हाँ आरजे में इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि वो राइट टाइम जो है वो अपनी टोन चेंज कर सके वो सिनेरियो चेंज कर सके कि कहीं आपको फील ना हो कि एक भारी जिम्मेदारी जो है वो आयद हो गई और दो कि बहुत भारी जिम्मेदारी होती है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर करके इन चीज़ों से सिचुएशन से फेस कर करके कि अब ऐसा हो गया है कई दफ़ा सिस्टम हैंग हो जाता है ये बड़ा मतलब कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि माइक पे 8 मिनट या 10 मिनट बोलना इट्स टू मच ना मतलब और कि हमें कहा गया है कि 1 मिनट इट शुड नॉट बी लेस मोर देन 1 मिनट कि आपका जो बात है गुफ्तगू और उस पर अगर आपको 5 मिनट या 7 मिनट अगर आपको माइक पे रहना है जिसमें आपको अपने लिसनर्स को ग्रैप भी करना है रखना है उनको मौजूद क्योंकि म्यूज़िक चैनल है ज़रा सा आपने देखा कि म्यूज़िक नहीं है तो लोग बैंड चेंज कर लेते हैं चैनल चेंज कर लेते हैं तो उस पर बड़ा फिर थोड़ा सा अपनी सलाहियतों पर और ये कहते हैं कि रेडियो पे यहाँ पे आप पोज दे सकते हैं आप एक्सप्रेशन दे सकते हैं लेकिन रेडियो पे आप ये नहीं कर सकते रेडियो पे आपको हर हाल में बोलना है 3 सेकंड भी आपने चुप नहीं रहना
मेरे साथ हुआ था 101 पर तकरीबन 35 मिनट्स कोई सिस्टम नहीं चल रहा था, वो अचानक कोई टेक्निकल इशू हो गया। आप टेक्निकल इशूज तो कहीं भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो जाते हैं अक्सर। तो मैं बोलती रही, ना गाने चल रहे, ना BGM चल रहे, ना अच्छा इसमें थोड़ा सा मुझे जहाँ पे मैं मार खा जाती हूँ, शायद आज बोगी साहब के सामने ही, शायद ये बाकी सब कन्फ्यूज कर रही है, सॉरी ऑडियंस के सामने भी ये बात होगी कि मुझे ना इशारों में बात समझ नहीं आती यहाँ आके जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं अभी मुझे थोड़ा और प्रैक्टिस करनी है आज अच्छा बनने के लिए। अब इंजीनियर भी मुझे इशारा कर रहे हैं कि आप ये करें वो करें, अब इशारे में ही बात हो सकती है, अब वो लिख के बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं मुझसे, लेकिन अब मेरी कॉन्सेंट्रेशन है कि माइक पे मैंने बोलना है, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि अब वो मुझे कह रहे हैं कि आप इसको मजीद कंटिन्यू करें बोलना, ये समझ आ रही थी, लेकिन अब क्या कहना चाह रहे थे तो सर को कंप्लेन करते हैं ना आज के सर ये इशारे क्यों करते हैं। मैं सोच रहा हूँ एपीटीवी पर सर इशारों की जुबान आता था। हाँ ये सारे आरजेस को जो है साइन लैंग्वेज सिखानी पड़ेगी। हाँ सर ऐसा कर ले, अब ये नया काम करना पड़ेगा। लेकिन मारिया ने कहा इशारे करते हैं शीशे के उस पार से, लेकिन वो तो एक नहीं, लेकिन इशारे करते क्यों है नहीं, जैसे ऐसे सिचुएशन है कि माइक पे ही हैं आप और आपको मुझे इंजीनियर को बता रहे हैं या मेरा कोऑर्डिनेटर मुझे कुछ बता रहा है कि अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, किस बात पे आपने लेकर के चलना है, वो समझ नहीं आ रही होती। सर ये तो हमारा बड़ो कन्फेशन थी वो इतने थे। हाँ लेकिन ये तो नहीं आई ना यहाँ, मतलब एतरो घणो जीअं 10-15-20 साल कोन थिया अथसि, अञा 2-3 साल थिया अथसि या 1.5-2 साल थिया अथसि, त पोइ या लैंग्वेज मखसूस लैंग्वेज आहे हिकिड़ी, सम्झी अची वेंदी, उहा अची वेंदी आहे, उहो अची वेंदसि हिनखे बि कुझु वक़्त खां पोइ, कुझु कुझु चीज़ें जब होंगी ना त समझ आ जाएगी, समझ आ जाती है, सर पे पड़ती है तो इंसान झेल ही लेता है उसको। सही। अच्छा फरजाना जी, लिसनर्स की शिकायतें भी बड़ी होती हैं, आपने हमारा ये कलाम प्ले नहीं किया, आपने ये बात नहीं बोली, कल आपको बोला था ये टॉपिक रखें आपने नहीं रखा, तो आप हमें इग्नोर करिए और कंप्लेन जो ना वो बॉस तक पहुंच जाती है अक्सर, ऐसा कभी हुआ? ऐसे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लिसनर्स हैं तो वो जो है ना वो तो ऐसे हमें ऑर्डर कर रहे होते हैं और हम खुशी से सुन रहे होते हैं उनका ऑर्डर, तो वो कहते हैं कि हेलो फरजाना वो नहीं किया तुमने, मैं जी बताइए, वो जो गाना मैंने पहले कहा था अभी लगा देते हैं आपके लिए, तो हम तो ऐसे जवाब देते हैं, और नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। हम एक्चुअली शासी होता यह है कि जो लिसनर्स होते हैं ना वो ऑन करते हैं प्रेजेंटर को, आरजे को, वो अपना समझ रहे होते हैं कि नहीं ये है, ये सिर्फ हमारे लिए है, हम जो कहेंगे ये वही करेंगे, लेकिन करना भी पड़ता है। अच्छा ऐसा मेल बॉक्स में एडियो कंप्लेन इंदी हुई हो कैडी फनी कंप्लेन आई जैसे ताकि भी खिल अच्छी हुई तो ही कैडी कंप्लेन। हां एडियो कंप्लेंट्स तो खोड़ो सारे वचन थियो असांजो रोज़ जो मामिलो आहे, पोइ ज़ारा की उनखे आनेर त नथो ॾेई सघिजे पर असां पढ़ूं था, त उन में जेको ख़तनि जो सिलसिलो असां शुरू कयो त भई तव्हां मेल बॉक्स में ख़तु मोकिलियो ऐं पंहिंजी राय खां आगाह कयो ऐं तव्हां ॻाल्हि बन उन में। हा मां बि असां वीकली प्रोग्राम थींदो हो उन में कंहिं हिकिड़े आरजे खे बि घुराईंदा हुआसीं असां एज़ अ गेस्ट, छो जो फ़र्क़ु आहे ॾाढो आरजे जेके प्रोग्राम करे थो त उन महिल उनजो ॻाल्हाइणु ॿियो आहे, ऐं एज़ अ गेस्ट जॾहिं अचे थो त पोइ उन खां वरी असां सवाल पुछूं था ऐं लिसनर पुछनि था, बिल्कुलु त हिकिड़ो इहो हिकिड़ो नयो नमूनो नओं तरीक़ो असां कयोसीं, ॾाढो कामयाबु वियो, त उहो मेलबॉक्स वीकली प्रोग्राम थींदो हुयो 2 कलाकनि जो, त उन में असां एज़ अ हेड ऑफ यूनिट मां वेहंदुसि, हिन महिल ख़लील चनो वेहे थो, त तव्हां जेके ॻाल्हि पिया कयो फनी जेका आहे न उनमें वरी अहिड़ियूं अहिड़ियूं फरमाइशूं कनि था जेके जंहिंमें था चवनि था त पाण में जहिड़ो करे ॾेखारियो, हाणे आनेर जहिड़ो वेही कयूं पाण में, या इहो त मर्द खे था चवनि तव्हां माई जो आवाज़ कॾहिं ॾेखारियो, ऐं माई खे था चवनि तव्हां मर्द जो आवाज़ कॾहिं ॾेखारियो, या कंहिं मशहूरु कैरेक्टर खे फॉलो करे ॾेखारियो, त अहिड़े क़िस्म जूं अचनि थियूं ॻाल्हियूं जंहिंजे करे पोइ माण्हू कॾहिं फरमाइश पूरी करे थो उन्हनि जी कॾहिं नथो करे। पर बहरहाल कंप्लेंट्स मतलब आरजेस जो हुंदियो आहिनि, हां आरजेस टू कंप्लेंट, हां वो तो कॉमन या ही हुंदिया, तो असन जो नगमो नथो वलाए, असन गलाए नथो, असन के इग्नोर तो करे, असन के इग्नोर तो करे, इग्नोर तो करे, या घणी डाडी कॉमन शिकायत आ, तो मुसा साड तो को अथस बुक्स तो ता जो छा जवाब हुंदो आ, असन जंदा हु त ता बे भी तो आरजेस आन, ता बेन प्रोग्राम में भी शरीक थियो, ता एकडे प्रोग्राम में बगदा जके सो समझाईंदा आहियूं उनखे त अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे, ॿियनि खे बि वारो ॾियणो आहे न,
लिसनर तमाम घणा आहिनि हिकड़नि खे ई असां रोज़ एंटरटेन कंदासीं त पोइ बाक़ी जेके नवां आहिनि उहे रहिजी वेंदा त तव्हां थोरो सब्र बि त कयो सो बहिराल सर थैंक यू सो मच अवां ख़ासि टाइम कढी हिते आयो ऐं यकीन कयो वक़्त जी ख़बर ई न पई ऐं तव्हां सां मतिलबु अॼु थोरी डिफरेंट कचहरी थी उहा हमेशह लाइ सीरियस क़िस्म जी कचहरी थींदी आहे अॼु मां सोचो थोरो चेंज हुजे मूड त बहितर आहे तव्हांजो मूड बि चेंज थी वेंदो थैंक यू सो मच फरज़ाना जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आई मारिया जी आपका बहुत शुक्रिया फर्स्ट टाइम आपसे आज रूबरू यूं गुफ्तगू की तो बहुत अच्छा लगा बहुत शुक्रिया हाशिम हुसैन वरी महरबानी अवां जी भी आख़िर में अवांखे कलाम असां ॿुधंदासीं ऐं व्यूवर्स ॾिसो इहा ई ॻाल्हि हूंदी आहे त इहे शिकायतूं असांखां बि थींदियूं आहिनि त माना अॼु तव्हां हीअं नथा कयो अॼु तव्हां हूअं नथा कयो ॾिसो रोज़ असांखे को न को नओं व्यूवर जॉइन कंदो आहे ऐं उनखे इंटरटेन करणु या सभिनी जे पसंदि नापसंदि जो ख़्यालु रखणु असांजी ज़िमेदारी आहे हाणे उते कुझु रहिजी बि वेंदा आहिनि त उनजे लाइ माज़रत बहरहाल इहे प्रोग्राम अवां सभिनी जे लाइ पेश कयो वियो तरंग जे ताबुन सां ॾहनि रुपियनि जे साशे में अवां बहितरीन क्रीमी चांहि काढ़े सघो था ऐं ओल्पर्स वारनि जे ताबुन सां ई प्रोग्राम पेश कयो वियो हयाती बख़ैर सुभाणे अवां सां मुलाक़ात थींदी पंहिंजो ख़्यालु रखिजो अलाह हाफ़िज़ जी आशा साथी मिलो को कदे रूह वारो अकेला होया सी अकेला ही आयो जिया थो मरा थो ऐं कीअं बि रहा थो
जवामा जरूरी इतना है तुमके वणी तो इहा गाल बिया ऐ तो के वणामा जरूरी इतना है ऐ तो के वणामा जरूरी इतना है